अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं फिर से अपनी नानी के घर में मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा कर रहा था कि मैं आप लोगों को जो नानी के घर में बकरीद का सेटअप लगता है वो दिखाऊंगी, तो आज मैं वही रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बर्ड्स दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी बर्ड्स भी हैं। तो ये देखें, यहाँ पर कितनी प्यारी माशाल्लाह कलरफुल सी बहुत सारी बर्ड्स हमारे पास हैं। ये देखें, सब इनका ख्याल रखते हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारी बर्ड्स हमने जमा करी हुई हैं। एक मिट्टू हमारे पास यहाँ पर भी है, ये देखें। ओहो, बोलता भी है भाई, बातें भी करता है ये। ये माशाल्लाह से हमारा बहुत प्यारा और बहुत पुराना मिट्टू है। तो चलें अब मेन सेटअप की तरफ चलते हैं। तो चलें अब मैं अंदर चलती हूँ और आप लोगों को आराम से तफसील से दिखाती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से बकरे हैं। ये देखिए, एक बकरा हमारे पास ये है। कौन सा बकरा है ये? गुलाबी कहलाता है, गुलाबी नस्ल है। अच्छा, ये गुलाबी नस्ल का बकरा है और ये फॉर सेल है मेरे ख्याल से। हाँ, सेल है ये, चार दांत में अभी हुआ। चार दांत का है माशाल्लाह से और ये फॉर सेल बकरा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा है ये। और भी दिखाते हैं आपको। ये जो है ये माशाल्लाह से हमारी ये घर की कुर्बानी का है। जो है ये भी माशाल्लाह से घर की कुर्बानी का। ये दो बकरे जो है हमारे घर के हैं और बाकी एक जो है यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को फॉर सेल दिखाया है। अच्छा, ये जो दो दुम्बे हैं छोटे छोटे से क्यूट से, ये भी जो है ये भी घर की कुर्बानी, भी माशाल्लाह घर की कुर्बानी के हैं और इनके बाल उतरवाए हैं। मेरे पास क्यों आ रहा है? यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर कुछ बकरे अलग हैं। ये जो है ना सारे पलने वाले बकरे हैं, ये कुर्बानी का कोई भी नहीं है इसके अंदर। इसमें बकरियाँ ज़्यादा हैं तो कुर्बानी की नहीं है। ये देखें, छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे बैठे हुए, ये भी आई गेस कुछ महीनों के हैं। यहाँ पर भी देखें एक छोटा सा है। माशाल्लाह करते जाएं, माशाल्लाह बहुत प्यारे बकरे हैं। अच्छा, इधर एक पोर्शन और अलग से, इधर एक पोर्शन और अलग से बनाए हुए इन्होंने और इसके अंदर जो है ज़्यादातर छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना वो डले हुए। ये देखें आप, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इनको कोई नुकसान ना हो। जो उधर देखें आप, अंदर अंदर भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, मैं इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, ये मुझे अभी अभी पता चला है कि ये जो गाय है ये भी फॉर सेल है। तो मैं समझ रही थी किसी की है गाय कुर्बानी वगैरह की, मगर ये कुर्बानी की नहीं है, ये भी माशाल्लाह से फॉर सेल है। तो अगर किसी का मूड बने, किसी ने लेनी हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। माशाल्लाह से देख रहे हैं आप, टाइट गाय है वैसे। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास मुर्गा और मुर्गियाँ भी हैं। तो हमने माशाल्लाह से फुल सेटअप लगाया हुआ है जानवरों को। सब शौक़ है हमारे मामू को, तो उन्होंने ये सब घर में ही पाले हुए। और ये अच्छी नस्ल के माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं मुर्गे हैं। ये देखिए, खरगोश भी हैं यहाँ पर। एक ही मुझे दिख रहे हैं खरगोश, वैसे और भी हैं मगर अभी यहाँ पर मुझे फिलहाल एक ही दिख रहा है। ओहो भाई, वो भी वीडियो के लिए फुल करतब दिखा रहा है। पकड़ भाई, वो आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे तो बहुत मज़ा आया अंदर रिकॉर्ड करने में, बकरों ने और मुर्गों ने मुझे खूब तंग करा, मगर खैर मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इन्जॉय करोगे व्लॉग को। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।